67% परिवारों ने ये कर्ज बीमारी के कारण लिया था। परिवार किसी सदस्य का परिवार के का इलाज कराने के लिए 67% परिवार ने लिया, यानी कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना लचीला है कि वो परिवार को मजबूर कर रहा है कि यदि उसे सर्वाइव करना है, उसको जीना है, तो उसको कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा लेकर के अपना इलाज करा करके अपने आप को बताना पड़ेगा। वो कर्जा लेकर 67% परिवार इस कर्जे में जो थे वो बीमारी के कारण इलाज लेने वाले। 30% परिवारों ने अपने दूर से कार्यक्रम बेटी की शादी कराना है या मोतरना है जिसे उसको लेकर के इसमें शामिल किया। 30% से जिन्होंने रोजगार वगैरह के लिए इस पूरे कर्जे को दिया। बच्चा कहाँ था जब हमने पूरे सर्वे को के दौरान हमने निकाला कि बच्चा जब हमने उसको बाल श्रम से मुक्त कराया तो उसके बाद बच्चा गया कहाँ, जब हमने गाँव में जाकर के उसको देखने की कोशिश। 55% बच्चे हमें घर में मिले, 15% बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, तो ये रिश्तेदारों के यहाँ गए इसका भी नहीं मालूम कि बच्चे के वापस मजदूरी में चला गया। 11% बच्चों ने कहा कि हाँ बच्चे मिले जो मालूम पड़ेगा वास्तव में वो वहाँ से निकल के ईंट भट्टों पे काम करने लग गए। 8% बच्चे कहीं अन्य के लोग राज्य में चले गए दोबारा। 10% बच्चे जो हमें कहीं मिले जिनके बारे में हमें जानकारी मिल नहीं सकी। अब जो बच्चे गाँव में थे या घर में थे वो क्या कर रहे थे। 13% बच्चे गाय चराने या दूर जानवर चराने के काम में लगे हुए थे। 19% बच्चे घर का काम कर रहे थे, यानी कि जो घर का जो दूसरे जो काम मजदूरी का काम है किसी तरह का कुछ काम नहीं कर। 6% बच्चे इस 400 में 6% बच्चों को ले लेंगे आप, फिर मात्र 24-25 बच्चे हमारे जो पढ़ते हुए मिले। 31% बच्चे ना तो पढ़ रहे थे ना खेल रहे थे ना मजदूरी कर रहे थे, घर में लेकर खेल कूद कर रहे थे। 17% बच्चे भट्टों में काम कर रहे थे मजदूरी कर रहे थे। ये कुछ बच्चे जब हमने सर्वे के दौरान जब हम बच्चों से मिलने गए इंटरेक्शन करने गए तो पूरे का पूरा इन बच्चों के साथ बच्चों को हम लोगों ने जाकर के अब मुक्ति प्रमाण पत्र जो जिला प्रशासन ने दिया था उसकी हमने इनको प्रत्येक तक कहना चाहिए कि सारे के सारे अब मुक्ति प्रमाण पत्र इन बच्चों को मिलने चाहिए, इन बच्चों के पास होने चाहिए जो कि अभी लेबर डिपार्टमेंट के पास है। यदि बच्चों के पास होंगे तो ये पूरा एक अध्ययन था कि मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पॉजिटिव चीज जो बिहार सरकार ने पिछले 3 साल में एक पॉजिटिव प्रयास किया और उस पॉजिटिव प्रयास के तहत ये हुआ कि इनको आर्थिक सहायता तो उन्होंने उपलब्ध करवाई लेकिन पुनर्वास के जो और जो दूसरे पहलू हैं जिसको हम लगातार कह रहे हैं वो है इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, इनके परिवारों को इनकम जनरेशन एक्टिविटी से जोड़ना जिसके ऊपर काम नहीं किया। और आज की इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही होना चाहिए कि हम इन बच्चों के साथ देखिए सरकार की एक अपनी क्षमता है, सरकार की एक अपनी बंधन है, सिविल सोसाइटीज की क्षमता है, सिविल सोसाइटीज के अपने बंधन है। तो सिविल सोसाइटी और सरकार मिलकर के यदि कोई सकारात्मक प्रयास करती है तो इन बच्चों को हम पुनर्वास करने की बात इनकी मूल मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर सकते हैं। हम ये कहें कि ये सारा काम सरकार का है तो सरकार के भरोसे हम इस सारे कामों को फिर अगले 20 साल तक नहीं कर सकते। तो हमें इन बच्चों को इन परिवारों के पुनर्वास की बात करनी है तो सिविल सोसाइटी और सरकार को दोनों को मिलकर के काम करना होगा। जब तक ये दोनों मिलकर के साथ काम नहीं करेंगे हम इन बच्चों को वापस बाल श्रम में भेजते रहेंगे। तो इसलिए हमें सोचना होगा और हमें आज चर्चा करनी होगी कि हम सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर के इन बच्चों को पुनर्वास के लिए किस तरह का काम कर सकते हैं ताकि बच्चे पुनः बाल श्रम में ना जाएं, पुनः अपने बचपन को ना खोएं, अपने बचपन को सुरक्षित रहें।